तो हेलो एवरीवन, मैं अभी बताऊंगा इसमें जो घनस का CP30 मॉडल है, इस मॉडल में जो ऑपरेटर नहीं चलाया, बहुत सारा ऑपरेटर क्या करता है, स्विच चटा या मैं कौन सा दूसरा प्लान चलाया, घनस नहीं चलाया, तो उसका बारे में आज पूरी अच्छे से डिटेल मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगा। तो इसमें कैसे फर्स्ट टाइम TM लोडिंग करते हैं, तो TM लोडिंग करने का सिस्टम क्या है, कैसे स्टीम लोडिंग करेंगे, तो कितने इनको डालना है, रेसिपी सेटिंग में जाके, प्रोडक्शन सेटिंग में जाके कितना क्या डालना है, तो इसके बारे में टोटल डिटेल मिल जाएगा आपको। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के। ज़्यादा बात नहीं करें, चलिए वीडियो में। तो हेलो गाइस, बहुत सारे ऑपरेटर जो वेनस का प्लान नहीं चलाया, भाई एजेक्स का प्लान नहीं चलाया, एजेक्स और वेनस का सेम सॉफ्टवेयर होता है, ये आईडीएस स्मार्ट केटा प्लस सॉफ्टवेयर आता है, ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है आपको कोने में। तो ये मॉडल है वेनस का, ये वेनस का प्लांट है। तो वेनस का जो प्लांट है, एजेस का प्लांट है, इसमें फास्ट स्टार्टिंग में TM कैसे लोड करेंगे, तो बहुत सारा ऑपरेटर नहीं जानता है, तो दूसरा प्लांट चलाया, तो उसी के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे तो पहले इधर उधर देखना नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा इधर ऊपर में टॉप में। तो सबसे तो पहले PLC रेडी कर देना है, ये हाँ चलेगा। तो सबसे पहले किसी का ऑप्शन में जाने का जो है ना, सबसे पहले PLC रेडी है, रेडी का ऑप्शन है, इसी तरह होल्ड हो जाएगा, देखिए PLC होल्ड हो गया। तो खोलने के बाद सबसे पहले PLC रेडी कर देना, ताकि बाद में दिक्कत आएगा। तो उसके बाद ये देखिए, इधर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो इधर ऑप्शन का जाने का जो है ना, सेल का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए सेल का ऑप्शन है, तो सेल का ऑप्शन में जाने का, तो सेल ऑर्डर में है जाना, सेल ऑर्डर में जाके उसके बाद नीचे आना, प्लस का आइकन दिख रहा है, तो इधर आने के बाद चेंज नंबर सिलेक्ट साइट, ये साइट को सिलेक्ट कर देना, जैसे कि मैं 3600 सिलेक्ट करने के बाद, उसके बाद इधर CTSV लोड होगा, CTSV सिलेक्ट कर देना, उसके बाद क्लाइंट, उसके बाद नेम डालने के बाद, उसका टोटल क्वांटिटी कितना लोड होगा, जैसे हाईवा में लोड हो रहा है तो मैं 5 MB डाल रहा हूँ, रास्ता ख़राब है, उसके बाद ये सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव का ऑप्शन में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अटैक का ऑप्शन दिख रहा है, इधर जब क्लिक करना, करने के बाद आपका टोटल आ जाएगा, टोटल बैच, डॉकर नंबर, बैच साइज, टोटल मटेरियल आ गया 12 MQ, 12 MQ में टोटल क्वान्टिटी आ गया। करने के बाद गाइस ध्यान देना, ये जो ऑटो मैनुअल स्विच है, ऑटो मैनुअल स्विच ये ऑटो में होना चाहिए, मैनुअल में होगा तो ऑटो स्टार्ट नहीं होगा, ये स्विच मेरा मैनुअल में है तो ऑटो स्टार्ट नहीं होगा। ये सबसे पहले ऑटो कर देना, ऑटो कर देना, उसके बाद मिक्सर, मिक्सर गेट है, ये ओपन क्लोज है, एक क्लोज का सिग्नल है, क्लोज का सिग्नल जलना चाहिए, अब ओपन का सिग्नल ऐसा, वही ओपन सिग्नल जलेगा तो, ओपन जलेगा तो मतलब मिक्सर गेट ओपन होगा तो ऑटो स्टार्ट नहीं होगा। तो यही दोनों ध्यान देना, मिक्सर क्लोज होना चाहिए एंड प्लांट ऑटो में होना चाहिए। इधर TM का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करते चालू हो जाएगा, इस तरह आपको चालू हो जाएगा, लेकिन ये जब तक ट्रक नॉट रेडी लिखा है इसमें, एक कोने में देखिए ट्रक नॉट रेडी, इसमें इसमें क्लिक करेगा तो आपका नहीं चालू होगा, ठीक है। तो मटेरियल तो ले लेगा, लेकिन मिक्सिंग नहीं होगा, बेल्ट नहीं रनिंग होगा, इसलिए ट्रक रेडी कर देना, लेकिन मैंने देखा तो ट्रक नॉट रेडी, जैसे मटेरियल अभी ले रहा है, सब कुछ मान लेकर रेडी है, तो मैंने ट्रक नॉट रेडी कर रखो, ट्रक रेडी जैसे मैं कर दूंगा चालू हो जाएगा, ट्रक रेडी कर दिया, चालू हो गया, फिर चालू हो गया। इसी तरह लोडिंग होता है, अगर पानी बढ़ाना होगा तो पानी इधर से बढ़ेगा, यहीं से पानी भर जाएगा, यहीं से पानी भर जाएगा। थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए, अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ मैं गाइस, और गाइस मैं जो प्लान में जाता हूँ तो वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ, तो कोई भी प्लान में जाएगा तो वीडियो आप लोग को मिल जाएगा।